क्या स्थिति है संगठन की आपके उधर कौलेश्वरी क्षेत्र में? बहुत बड़ा बड़ा नेता लोग पैसेबाजी में लगे हैं और बाहर में घर मकान बना रहे हैं जी, और नीचे आकर मान सम्मान नहीं देते हैं, शांत रहना रहेगा। और तो भी हम लोग फरवरी में थे, जो भी हथियार था वो लेकर के हम आत्मसमर्पण कर दिए। रुक ना भाई, बोले पड़ोसी है सरकार के, बहुत समझ के हमको घर परिवार भी लगल था, हम लोग पर दबाव दे रहे थे, हम अपना सोच समझ करके आत्मसमर्पण किए। यही है, ये नेता लोग का कोई समर्थन को प्राप्त होता था? नहीं, हम लोग का मान सम्मान नहीं मिलता। ठीक है, अब हो गया। अरे दूसरा बोलिए, इधर इधर सामने देख के। आपका नाम क्या है? कब जुड़े थे संगठन में, क्या स्थिति है अभी? नीचे करने बोले यार, पूरा संगठन का बिल्कुल मैंने हो गया कोलेश्वरगंज पूरा वहां। ए भाई, माइक को नीचे कर ले भाई। उसके सहारा सहन सवाए, अच्छा भी लगा है ना, और यही काम। ठीक है, बहुत ठीक है। इधर बोलिए, नाम बताइएगा पहले। नीरज यादव नाम है। क्या नीरज यादव, कहाँ घर हुआ आपका? हूँ हाँ जी। अच्छा, तो कैसे जुड़े थे इसमें? अरे उसको पीछे से हटा नहीं, जो लाल साल हो गया आपको जुड़े हुए? 2008 से जुड़े हुए। क्या क्या मैं जो बड़ा काम, इधर सामने देखिए, सामने हम लोग ने जो बड़ा बड़ा नेता, बड़ा बड़ा नेता इधर देखिए, इधर उसके नेतृत्व हम लोग रखते थे। किस कांड में? एक मिनट, किस कांड में बड़ा कांड आपको सपोर्ट करता था? 2116। आइए नाम बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम है संतोष भारते। आप कहाँ से हैं? ग्राम केवलिया थाना प्रतापपुर। कब जुड़े थे माओवाद से? 2016 में जुड़े थे। कैसे जुड़ गए, क्या हो गया? वो घर में, गांव घर में जमीन का विवाद था, तो संगठन वाले लोग जाते थे, तो हमने अपना समस्या को रखे, तो उन लोग बोले कि समस्या चलो मेरे साथ में हल कर देंगे, लेकिन हम लोग उसी मनाथी में रह गए, उनके झांसा में पड़े। इधर इधर भी, लेकिन आज तक हम लोग का समस्या ये निदान और हल नहीं हुआ, इसलिए हमारे इधर भी थोड़ा देखा जाए, चतरा SP साहब और चतरा के हमारे जो जितने मनो पुलिस अधिकारी जो भी हैं, वो हम लोग का घर तक संदेश पहुंचाने के काम किए, और हमारे घर वाले भी हमारे तक संदेश पहुंचाए, जो हम चतरा SP साहब को संदेश को अच्छी तरीके से समझ गए, अपने स्वार्थन का पुलिस को समझ गए, बड़े बड़े नेता लोग तो है ही है, लेकिन वो समर्थन नहीं मिलता था, और अगर मिलता तो हम लोग समस्या।